हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान साथ ही उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टी आर थ्री का जो एग्ज़ाम आयोजित किया गया था और जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे उन सब का इंतज़ार है कि रिजल्ट कब आएगा और बीच में क्या हुआ कि बिहार में जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया और बिहार सरकार ने रुख किया और सुप्रीम कोर्ट का और उसमें अर्ज लगाया कि जो पुराना रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको पटना हाई कोर्ट ने लागू करने को बोला है फिलहाल आप जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको ही लागू रहने दीजिए और जो मामला है उसको सुनवाई कीजिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के दलील को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और बोला कि आपके मामले को सुनवाई करेंगे लेकिन अभी आपको पटना कोर्ट का ऑर्डर ही पालन करना होगा तो हुआ क्या कि टी आर थ्री में न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत वैकेंसी जारी की गई थी अब रिजल्ट जारी करना है तो पचास परसेंट रेजुवेशन के तहत रिजल्ट जारी होगा तो अभी अगर आप बात करें कि रिजल्ट में क्या होगा तो रिजल्ट के लिए आपको इंतजार करना होगा अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है आपको और इसके लिए प्रॉपर यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है तो सारी अपडेट को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अब जैसा कि यहाँ पर देखेंगे तो ये बिहार सरकार शिक्षा विभाग का नोटिस है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय प्रेक्षक में हैं मिथिलेश मिश्र भारतीय प्रशासनिक सेवा और निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार और देखेंगे तो डेट है चार सितंबर कल ही ये लेटर जारी किया गया है और विषय है कि प्रारंभिक विद्यालयों के विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल पचपन सौ चौंतीस पद हेतु रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में अब देखिए अभी क्या है कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती हो रहा है उसमें पचास परसेंट रिजर्वेशन का जो मामला है अभी तक क्लियर नहीं हुआ और आप देखेंगे तो पूर्व में भी लेटर लिखा जा चुका है कि आप जल्द से जल्द एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराइए रोस्टर बावजूद उसके अभी तक नहीं आया है और पुनः कल लेटर लिखा गया है और देखेंगे यहाँ पे तो उपयुक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्रारंभिक विद्यालय के विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल पचपन पद पर नियुक्ति से संबंधित अधिसशन बिहार लोक सेवा आयोग पटना को उपलब्ध कराया जाना है और इस हेतु आपके द्वारा प्रासंगिक विभागीय पत्र के आलोक में रोस्टर के की कार्रवाई की जा रही है अब देखेंगे तो उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल पचपन से चौंतीस पद हेतु पचास प्रतिशत आरक्षण के अनुभव नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न पत्र पत पत्र के हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें अब ऐसे में अगर तीन दिनों के अंदर अंदर ये रोस्टर क्लियरेंस होकर के आ जाता है तब तो आपका रिजल्ट जल्द ही जारी हो जाएगा लेकिन अगर पूर्व की भांति जैसा कि एक सप्ताह में भेजना था फिर भी नहीं आया अगर इस बार भी लेट होता है तो फिर आपको लंबा इंतज़ार करना होगा रिजल्ट के लिए नीचे देखेंगे तो विश्वास भाजन में है मिथिलेश कुमार मिश्र निदेशक प्राथमिक शिक्षा अब जो दूसरी न्यूज़ है इसमें कि जो नौवीं से बारहवीं तक है उनको अच्छा एक अवसर मिलने वाला है क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ने वाली है अब देखेंगे उस न्यूज़ को यहाँ पर न्यूज में भी देख सकते हैं टी आर थ्री रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने से लटका परिणाम और आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है दूसरी न्यूज़ यहाँ पे देखिएगा तो नौवीं से बारहवीं कक्षा के शिक्षकों की बैकलग पदों पर भी होगी नियुक्ति और इसका खासकर बेनिफिट जो नौवीं से दसवीं और इलेवन ट्वेल्थ के लिए अप्लाई किए हैं उनको कटम में थोड़ा सा राहत मिलेगा क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि बैकलॉग पदों पर भी भर्ती होने जा रही है और चूँकि बैकलॉग पद वो होती है जो पूर्व की नोटिफिकेशन में सीटें रिक्त रह जाती है तो जिस कैटेगरी में जितने सीट खाली होती है उसी के अनुरूप वो भर्ती होती है तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये पुराने रिजर्वेशन के तहत वो भर्ती होगी क्योंकि बैकलॉग सीटें हैं उसमें नहीं हुई उसमें से कोई मामला नहीं है लेकिन जब तक ये जो प्राइमरी वाला है मामला वो क्लियर नहीं हो जाता है तब तक सभी रिजल्ट जारी नहीं हो सकते हैं और कहीं ना कहीं रिजल्ट इसी वजह से पेंडिंग में आपका दिख रहा है तो जल्द से जल्द यहाँ पे अगर लेटर जारी कर दिया जाता है रोस्टर के साथ में तो आपका रिजल्ट जल्द आ जाएगा अदरवाइज आपको अभी फिर वेट करना होगा बाकी इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएँ और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद